साथियों, आप क्रोनोलॉजी समझिए, और आज ये बात देश के भविष्य की बात है, इसलिए इस क्रोनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत होती है व्यापम से, फिर आता है एसएससी 2017, फिर आता है सीबीएसई 2018 कक्षा 10 और कक्षा 12, फिर आता है 28 एंट्रेंस एग्ज़ाम हरियाणा के, फिर आता है जेईई मेन 2020, और अब लेटेस्ट अवतार आया है जेईई मेन 2021। इन सब परीक्षाओं में क्या चीज़ कॉमन है? एक ही चीज़ कॉमन है, देश के भविष्य के साथ, देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है इन सारी परीक्षाओं में। और महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहते हैं, इन सारे परीक्षाओं के लिए दोषी कौन है? क्यों ऐसा हुआ कि आज जेईई मेन और जेईई से महत्वपूर्ण कक्षा 12 के बाद हिंदुस्तान में कोई परीक्षा नहीं है? जेईई वो परीक्षा है जिसके आधार पे एनआईटीज हो, जिसके आधार पे सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स हो, जिसके आधार पे स्टेट गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स हो, जिसके आधार पे आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, जिसके आधार पे IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, उन अंकों के आधार पे छात्रों को, छात्राओं को वहाँ पे एडमिशन मिलता है। और खबर क्या आती है? खबर आती है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें कोई और सुदूर जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति रिमोट एक्सेस लेके उस व्यक्ति के सवाल हल कर रहा है। अब आप बताइए, कक्षा 12 का छात्र, जो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने भी इस परीक्षा को बहुत नज़दीक से देखा है, कम से कम 2 से 3 साल तक वो 10-10, 12-12 घंटे तैयारी करता है। जब उसको ये पता चलता है कि कोई और किसी व्यक्ति के सवाल हल कर रहा है, उसकी सीट जो थी वो कोई और लेके जा रहा है, तो उस पर क्या होती होगी? पेपर लीक गवर्नमेंट, पेपर लीक गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू एवरी यूथ ऑफ आवर कंट्री, बिकॉज यू आर टेकिंग दैट यूथ सीट, यू आर टेकिंग दैट डिजर्विंग कैंडिडेट सीट, यू आर गिविंग दैट सीट टू समवन एल्स। एंड दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। ये बात आज इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगस्त 2021 में जो रोजगार बेरोजगारी का आंकड़ा आया CMI के द्वारा, उसमें 8.32% इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और एक माह में 15 लाख लोगों ने अपना रोजगार गंवाया। रोजगार आप देते नहीं, परीक्षाएं आप पेपर लीक, आपसे आपका तो इतिहास है, व्यापम में क्या हुआ पूरे देश ने देखा। आज तक लोगों की कितने लोगों की जान गई व्यापम में, क्या हुआ सबको पता है। आपका इतिहास है, जो बात 2020 जेई मेन में असम में एक बच्चे की जगह किसी दूसरे बच्चे ने परीक्षा दे दी थी, वो याद होगा आपको, एक बड़ा स्कैंडल हुआ था 2020 में। अब 2021 में क्या हो रहा है कि आप परीक्षा में व्यक्ति बैठा है पर कोई और उसकी जगह परीक्षा दे रहा है। ये क्रोनोलॉजी आज आपको और हमको और देश को समझने की जरूरत है। पहले मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले आपको इसका एक पूरा वृहद दृष्टिकोण देना चाहता हूं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भारत सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में काम करने वाली एक बॉडी है, जिसका निर्माण नवंबर 2017 में कैबिनेट के अप्रूवल के बाद हुआ। और उसको क्या दायित्व दिया गया कि देश के 12 बड़े एंट्रेंस एग्जाम वो कंडक्ट कराएगी। मैं उनके नाम आपके सामने देना चाहता हूँ, IIT JEE मेन, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस नीट जिसको कहते हैं मेडिकल परीक्षा के लिए, कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि MBA के लिए, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि बी फार्मा के लिए, UGC नेट और CSIR नेट जो कि लेक्चररशिप और हायर एजुकेशन में जो लोग अपना रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, JNU के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, IGNOU की PhD के एंट्रेंस एग्जाम के लिए,
ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट के सारी परीक्षा के लिए, और तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ये सारे 12 परीक्षाएं कौन कराती है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और उसकी टेस्टिंग एजेंसी में क्या हुआ था पिछली साल? पिछली साल आसाम में एक बच्चा टॉप कर जाता है, और बड़ा स्कैंडल हुआ था, आप लोगों को याद होगा, पता चला उसकी जगह किसी और ने परीक्षा दे दी। और आज ये पता चल रहा है हरियाणा के सोनीपत शहर से कि एक व्यक्ति, एक बच्चा जो परीक्षा दे रहा है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड बेस्ड एग्जाम होता है, पेपर पेंसिल वाला परीक्षा नहीं है, सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन उसमें टिक करना पड़ता है, आपकी रिमोट एक्सेस उस कंप्यूटर जो आप सेंटर पे बैठे हो, जिस कंप्यूटर में परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है, उसकी रिमोट एक्सेस कहीं और से कोई आदमी सॉल्व कर रहा है, और इसके लिए 15 लाख रुपए के पोस्ट डेटेड चेक ले लिए जाते हैं, 12 से 15 लाख रुपए की। उस व्यक्ति की आईडी, उस व्यक्ति की जो बच्चा दे रहा है उसके मार्कशीट 10वीं और 12वीं की आपके पास रख ली जाती है, और बोला जाता है कि आपका NITs में एडमिशन सुनिश्चित। ये आप दो क्राइम कर रहे हो। नंबर फर्स्ट क्राइम क्या है कि आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट खा रहे हो, और नंबर टू क्राइम क्या है कि आप एक जो मोस्ट प्रेस्टीजियस, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि कक्षा 12 के बाद हिंदुस्तान में IIT JEE से प्रेस्टीजियस कोई एग्जाम नहीं है, उस मोस्ट प्रेस्टीजियस परीक्षा में पिछले 70 साल में ऐसा नहीं हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी, पहली बार ये हो रहा है कि JEE मेन के पर्चे लीक हो रहे हैं, JEE मेन में कोई और परीक्षा देके देने जा रहा है बच्चे की जगह, JEE मेन की आप रिमोट एक्सेस देके दूसरे लोग उसकी जगह परीक्षा दे रहे हैं। ध्यान रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, IIT JEE मेन साल में 4 दफा होती है, और 22 लाख लोग इसमें बच्चे रजिस्टर्ड एप्लीकेंट है, छोटा नंबर नहीं है, और 4 में से जो बेस्ट आपका अंक है उसको वो ले लिया जाता है, और उसके आधार पे JEE एडवांस होता है, JEE एडवांस के आधार पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है सिर्फ IIT की, पर JEE मेन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो NITs के लिए वो फाइनल है, वो स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूट्स के लिए वो फाइनल है, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए फाइनल है, मतलब आपको NIT जयपुर या NIT जमशेदपुर में अगर एडमिशन चाहिए तो वो JEE मेन के आधार पे ही होता, और JEE मेन के आधार पे ही JEE एडवांस का मेरिट लिस्ट आती है, और JEE एडवांस के आधार पे IIT का एडमिशन होता है। जो परीक्षा 26 अगस्त, 27 अगस्त, 31 अगस्त, 1 सितंबर और 2 सितंबर को JEE मेन की परीक्षा संपन्न हुई, उसमें पाया गया कि एक कंपनी, और उस कंपनी का नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगा, उस कंपनी का नाम है, मैं आपको बताता हूँ, उस एक कंपनी के एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर, उसके एम्प्लॉइज क्या कर रहे थे ये लोग काम, ये कह रहे थे छात्रों को कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, आप जाके बैठो कंप्यूटर के सामने, हम आपको रिमोट एक्सेस दे देंगे, कोई और, मतलब जैसे आपकी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई और परीक्षा के सवाल भी पढ़ रहा है और उत्तर भी क्लिक कर रहा है, उसको बस बैठना है, ये मामला सामने आता है, तो क्या पूरी परीक्षा प्रणाली पर एक सवाल चिन्ह उत्पन्न नहीं हो जाता? और जब JEE मेन में ये हुआ है तो जब NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 12 और परीक्षाएं लेती है उसमें नहीं हुआ होगा, इस बात की क्या गारंटी है? आज ये मामला सामने आया, पिछली साल नहीं हुआ होगा उसकी क्या गारंटी है, उसके पिछली साल नहीं हुआ होगा उसकी क्या गारंटी है? और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का निर्माण इन तरह की परीक्षाओं को कंडक्ट करने के लिए MHRD द्वारा किया गया था, तो क्या NTA जिम्मेवार नहीं है? इस बाबत हमारे 5 प्रश्न और 5 डिमांड्स हैं। हाउ, कैसे एक स्टूडेंट को एंश्योर किया जाए कि वो जो परीक्षा दे रहा है वो बिना मैनिपुलेशन के हैं, वो बिना किसी फ्रॉड के हैं, कैसे उसमें वो फीलिंग को रिस्टोर किया जाए, सरकार इसका जवाब दे। हमारा दूसरा सवाल है,
जब मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम लाइक जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर आईआईटीज एंड एनआईटीज में जब इस तरह की बातें आ रही है, तो हम भविष्य के किस तरह के प्रोफेशनल देश को देना चाहते हैं। हमारा तीसरा सवाल है कि एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एनटीए अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हमारा कोई दोष नहीं है। पिछली साल इसी तरह की घटना आसाम में हुई, आसाम का एक टॉपर बना, आपने उसके बाद क्या किया? हम इसके लिए एनटीए और एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्ट्री को डायरेक्टली जवाबदेह मानते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, 22 लाख लोग बच्चे जब जेई मेन दे रहे हैं, आप कैसे इंश्योर करोगे कि ट्रांसपेरेंट एग्जाम उनका हो रहा है, फेयर एग्जाम उनका हो रहा है, बिना किसी मैनिपुलेशन का एग्जाम हो रहा है, इसको आप कैसे इंश्योर करोगे? और अंत में हम चाहते हैं कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक इंक्वायरी कमिटी बैठे और पता लगाए, क्योंकि ये व्यापम वाले लोग हैं, इनकी रग रग में लीकेज है, इनकी रग रग में चीजों परीक्षाओं में धांधली करना है, तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक समिति बने और पिछले 7 सालों में 7 ईयर्स पिछले 7 सालों में जो भी प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं उनकी जांच हो और पता लगाए कि कौन कौन से लोग, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज, कौन कौन से मिनिस्टर से एसोसिएट लोग इन चीजों में लिप्त थे और क्यों लोग हिंदुस्तान के बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ। मैं शॉर्टली अपनी बात अंग्रेजी में कहूँगा, फिर माननीय अलका लांबा जी से अनुरोध करूँगा, उसके उपरांत नीरज भाई को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी बात आपके सामने रखे। प्लीज अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी। It is started from Vyapam to SSC 2017 to CBSE class 10th and 12th in 2018 to 28 entrance exams conducted by Government of Haryana to JEE Main 2020 in Assam to JEE Main 2021 now. Only one thing is common in all the above exams, that the examination conducting body had messed up the future of the young students of our country. Paper leak government is answerable to every youth of the country who is not able to get a deserving job or a seat in a reputed institute due to endless paper leaks which we are having in last 7 years. The situation becomes more alarming because the unemployment rate in the country as per CMIE August 2021 data had reached to the level of 8.23%. Only in the month of August 2021, 15 lakh people had lost their employment. Now, what is the event? National Testing Agency, which is a body formed by Government of India, approved by the Union Council of Ministers, established in November 2017 to conduct the entrance exams in our country. And these entrance exams are not small time entrance exam. These entrance exams are one of the most reputed entrance exams of our country, starting from JEE, joint entrance exam, for admission into IITs, IIITs, NITs, centrally funded institutes, to NEET for the entrance in the medical colleges of our country, Common Management Aptitude Test, GPAT, that is Graduate Pharmacy Aptitude Test, NET, which is a eligibility test for the lectureship in our country, CSIR NET for the research, for promoting research in our country, IAFT entrance exam, which is for getting an MBA degree from Indian Institute of Foreign Trade, JNU entrance exam, IGNU PhD, ICAR, Indian Council for Agriculture Research Entrance Exam, Hotel Management Colleges and Delhi University Entrance Exam. The Joint Entrance Exam, that is JEE Main, is a computer-based test held 4 times in a year. And a student can appear in all 4 and the best one will be taken as his final mark for calculating or for making the merit list for admission into NITs or for getting him for eligible for appearing in the entrance exam for the JEE Advance. The JEE Main is a CBT held 4 times in an academic year by National Testing Agency. Each applicant is
allowed to make one attempt in each session, the student best of the four scores will be considered for preparing final merit. The merit list is used for BE, BTech at NIITs, IIITs and other institutes. And this merit list is also used for finalizing the list of candidates who are eligible to write JEE Advance for admission to IITs. The fourth session of JEE Main 2021, which were concluded on 2nd of September 2021, is in this particular JEE Main exam, the CBI have registered a case against a private institute named as Affinity Education Limited and its directors and three employees. What they were doing, the private institute was involved in helping the students to forge the entire exam. The institute also collected money from the students for after their selection. As per the primary investigation, it was found that question paper of the applicant was accessed remotely from the chosen examination center in Haryana, as the entire examination was computer based. Further, it is alleged that the private institute was conducting these practices through an examination center in at Sonipat in Haryana. Based on reports, the company and its staff members posted at the examination center were manipulating the online examination and were helping students for getting admission in the top engineering colleges of our country. In this regard, we have five questions or five demands. Number one, how a student can be ensured that these type of frauds and manipulation have not happened in other examinations conducted by NTA? ये कैसे एंश्योर होगा? नंबर टू, इफ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम ऑफ आवर कंट्री दैट इज जेई मेन इज नॉट स्पेयर्ड बाय दीज फ्रॉड्स, देन व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ फ्यूचर प्रोफेशनल्स व्हिच वी आर गिविंग इट टू द आवर कंट्री? नंबर थ्री, एजुकेशन मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड NTA आर हैविंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट एंड फेयर एग्जामिनेशन. Why they are not held liable when there is a consistent manipulation in JEE main exam in last year and this year? If it is not the responsibility that the government should ensure that every student out of 22 lakh applicants who had appeared for JEE main 2021 to get a fair chance, ultimately their future is at stake. And last, we demand an inquiry of the entire fraud under the supervision of sitting Supreme Court judge, as this is an issue related to the future of our country. Now I will request Alka ji to share her thoughts about this issue with all of you, and thereafter we will request Neeraj ji to share his thoughts on this issue, after which we will be open for Q&A. Dhanyavad Professor. Aap sabhi ka dhanyavad karte hain. अभी आपने प्रोफेसर साहब को सुना, बीजेपी के ऊपर पूरा खुलासा किया है. बीजेपी मतलब बेचते जाओ पेपर, बेचते जाओ पेपर. देश का भविष्य, छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है. बेचते जाओ पेपर, कहां कहां बिक रहे हैं ये पेपर सिलसिलेवार. अभी की खबरें हैं, शुरुआत करते हैं हरियाणा से. बताने की जरूरत नहीं है, बेचते जाओ पेपर बीजेपी, बीजेपी की सरकारों के अधीन चल रहा है. हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक हो गया है, 12 लाख रुपए तक वसूली. दूसरा, 14 अरेस्टेड, 35 लाख रुपए में कर्नाटका एग्जाम लीक, पुलिस भर्ती कर्नाटका. कितनी कीमत है? हरियाणा में अगर 12 लाख है तो कर्नाटका में 35 लाख. आ जाइए असम में, बीजेपी बेचते जाओ पेपर. असम किसकी सरकार है? ये महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता है. आंदोलन होता है 3 सितंबर 2020 को, यहां पर भी पुलिस भर्ती का पेपर लीक होता है और भाजपा के नेताओं की इसमें जो है मिली भगत पाई जाती है. और ये सितंबर में आंदोलन कांग्रेस गुवाहाटी असम में करता है और उसके बाद पुलिस
एफआईआर करती है और खबर आती है दिसंबर 19, 2020 को असम बीजेपी लीडर अमंग 36 नेम्ड इन चार्जशीट इन द स्टेट पुलिस एग्जाम पेपर लीक। इनकार कर सकते हैं ये खबरें झूठी हैं, फर्जी हैं। इन राज्यों में असम हो, मध्य प्रदेश में भी पेपर लीक हुए, मध्य प्रदेश में भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर नर्सिंग रिक्रूटमेंट का पेपर लीक हुआ और रद्द कर दिया गया है। कितने आर्थिक और मानसिक दबाव से अभिभावक और वो छात्र जो इम्तिहान में बैठते हैं वो गुजर रहे हैं, इसका अंदाजा केंद्र में बैठी भाजपा की मोदी सरकार को कतई भी नहीं है कि कितने बड़े आर्थिक और मानसिक दबाव से हमारा छात्र गुजर रहा है। इंतजार रहता है, इम्तिहान होगा, इम्तिहान होता है, फिर लंबा इंतजार होता है, परिणाम आएंगे, परिणाम भी लंबे इंतजार के बाद आते हैं तो लगता है अब भर्ती हो जाएगी, भर्ती के बाद भी एक लंबा इंतजार के बाद भर्ती हो जाती है, लेकिन जैसे ही भर्ती की घोषणा होती है पता लगता है पेपर तो लीक हो चुका है, पेपर 12-35 लाख में बिका है, इसलिए अब सारी भर्ती इम्तिहान परिणाम रद्द हो गए। अगली तारीख कब आएगी किसी को पता नहीं है। ये देश के भविष्य युवाओं के साथ खिलवाड़ है या नहीं है? क्यों केंद्र की सरकार मूकदर्शक बनकर देख रही है ये आंदोलन? मैं खुद थी इस आंदोलन में, श्री राहुल गांधी जी भी। ये आंदोलन आपको अगर याद होंगे, स्टाफ सर्विस कमीशन SSC CGO कॉम्प्लेक्स के बाहर, तारीख बता रही हूं मार्च 2018, छात्र आंदोलित थे क्योंकि SSC का पेपर लीक हुआ था। मांग की जा रही थी कि CBI की जांच, निष्पक्ष जांच एक बिठाई जाए क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत से छात्र इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से दे चुके थे। 18, 19, 20, 2021 जानना चाहते हैं ये जो छात्र CGO कॉम्प्लेक्स SSC के दफ्तर के बाहर बैठे थे, कहा गया CBI को सौंपी जा रही है जांच, वो जांच का नतीजा कहाँ है? आरोपी आज तक फरार क्यों है? क्यों सलाखों के बीच में पीछे भेजकर इस लीकेज को परमानेंट अभी तक बंद नहीं किया गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं से तार जुड़े हुए हैं ऊपर से नीचे तक। प्रोफेसर साहब ने ठीक कहा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बलि का बकरा नहीं बना सकते आप एक दो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स को पकड़कर। जिम्मेदारी जवाबदेही आपकी है, पेपर आप तैयार करते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जिम्मेदारी है शुरू से अंत तक पेपर बिना लीक हुए, बिना किसी के समझौता किए हुए भविष्य से आप इसे करवाएं, और अगर आप फेल होते हैं तो किसी की जवाबदेही और जिम्मेदारी तो तय होनी ही चाहिए। ये अभी किस सुर्खियां हैं? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE, पढ़िएगा हेडलाइंस क्या कहता है। मेन सॉल्वर जमशेदपुर का रंजीत, मेन सॉल्वर रहा वो, क्या होना चाहिए था उसे? इंजीनियर होना चाहिए था, IIT में होना चाहिए था, पर वो वहां नहीं, उसे दूसरी नौकरी पर लगा दिया भाजपा की सरकार ने, क्योंकि वहां ज्यादा कमाई थी। शायद वो मेन एंट्रेंस क्लियर करके इंजीनियर बनके पकोड़े तल रहा होता, इसलिए उसको बेहतर काम दिया। क्या काम दिया उसे? मेन सॉल्वर जमशेदपुर का रंजीत इंजीनियरिंग पढ़ने गया था बेंगलोर, अब 12 लाख में सॉल्व करता है दूसरों का पेपर। कितना भद्दा मजाक है ये छात्र के साथ नहीं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इससे भद्दा मजाक क्या हो सकता है? और केंद्र की सरकार, शिक्षा मंत्री मौन धारे बैठे हुए हैं, सोचते हैं एक आधी अखबार में ही तो ये खबर छपी थी, शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा और मुद्दा खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे कम्युनिकेशन इंचार्ज श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कल हरियाणा के अंदर प्रेस वार्ता करके हरियाणा पुलिस भर्ती कहें या जिस तरीके से ये पेपर लीक करके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है करोड़ों रुपए का, ये अपने आप में करोड़ों रुपए का मैं कहूंगी अपने आप एक स्कैंडल है।
जो बच्चा डिजर्व करता है, जो इम्तिहान में बैठकर ईमानदारी से पास करके उस मुकाम तक पहुंचना चाहता है, पेपर लीक करके आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। उसके पास पैसा देने के लिए 12 लाख 35 लाख नहीं है, उसके पास 12-15 लाख नहीं है, वो ईमानदारी से इम्तिहान में बैठ रहा है, इम्तिहान आप पेपर लीक में रद्द कर देते हैं। ये कब तक चलेगा? हम केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा पूछना चाहते हैं। ये जवाब तो केंद्र की भाजपा सरकार को देना होगा, क्योंकि ये तमाशा 2018 नहीं 17 से चल रहा है। सीबीएसई के पेपर लीक हुए, प्रधानमंत्री जी को खूब गुस्सा आया 2018 में, लेकिन वो गुस्सा लगता है ठंडा हो गया है। वो गुस्सा सिर्फ अखबार की सुर्खियों तक था कि प्रधानमंत्री जी ने पूर्व शिक्षा मंत्री उस समय थे प्रकाश जावड़ेकर जी को बुलाकर गुस्सा जाहिर किया, हेडलाइन बनी 2018 में। नतीजा क्या है? नतीजा तो सिफर जीरो है कि आज भी देश और देश के युवाओं के साथ एक खिलवाड़ करके उन्हें आर्थिक मानसिक दबाव से गुजरना पड़ रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को हल्के से नहीं लेगी। बिल्कुल हमारी जो मांग है, जो प्रोफेसर साहब ने आपके सामने रखी है, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, सीबीआई जांच कर रहा है, जेईई की जो ये पेपर लीक है, बहुत लोग अरेस्ट हुए, लेकिन हमें मालूम है एसएससी का भी 2018 में सीबीआई को जांच सौंपी थी, 21 तक नहीं बता पा रही सीबीआई जांच कहां पहुंची, आगे ये नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे पा रहे, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो हमारी ये मांग है कि ये जो जांच है, इंक्वायरी जो है सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन बिठाकर फास्ट ट्रैक में इसे लाकर दूध का दूध पानी का पानी करके जो इस पूरे स्कैम में शामिल है, चाहे वो नेता हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बैठे अधिकारी हैं, चाहे वो एसएससी में बैठे अधिकारी हैं, सीबीएसई, उन सब के एक जांच होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, गंगा तो ऊपर से नीचे आती है, तो ये अगर कहीं कोई चूक है तो हमें लगता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो भारत सरकार के अधीन है, सबसे पहले जो उंगली है वो उन पर उठती है, और व्यवस्था जो बनी हुई है, जो पिछले 7 सालों में बनाई है, इस व्यवस्था को आपको हमें बदलना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। जिस तरीके से प्रोफेसर साहब और अलका जी ने हमें बताया, ये सब जानकर तो इस तरीके से लगता है कि जैसे कि मोदी सरकार ने जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं, इन घोटालों में, इन एग्जाम को लीक करवाने में एक पीएचडी जो है वो वर्तमान की सरकार ने कर चुकी है कि किस तरीके से किस एग्जाम को जो है वो लीक करवाया जाए। मैं प्रोफेसर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये तो कुछ हमारे सामने कुछ ऐसे एग्जाम है जो लीक हुए जो हमें पता चला, मैं पिछले वर्ष एनएसयूआई ने हमें छात्रों के द्वारा पता चला कि नीट के एग्जाम जो पिछले वर्ष हुए उसमें स्टूडेंट्स को अप्रोच किया गया, उनसे 15-15 लाख रुपए जो है वो मांगे गए, और उनसे उनको कहा गया कि आप 15-15 लाख रुपए दीजिए और आपको मन चाहे कॉलेज में जो है सीट मिलेगी, जो कि पिछले साल एनएसयूआई ने सरकार के खिलाफ और एनटीए एजेंसी के खिलाफ ये अपना रोष भी जो है वो ऑन रिकॉर्ड जो है वो जताया था, परंतु हमेशा की तरह हमारी बात को जो है वो अनदेखा किया गया। आज जो बात है वो इस देश के जो छात्र हैं, और छात्र भी वो वाले छात्र जिस तरीके से प्रोफेसर जी ने बताया कि सबसे क्रीम जिनको हम कहा जाता है, जो सबसे पहले जेई का एग्जाम देते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, उन छात्रों के साथ अगर ये किया जा रहा है तो आप अन्य जगह देखा जा सकता है। अन्य जगह यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ, ये हमारे और आप लोगों के सामने है। बिहार में 94,000 शिक्षकों भर्ती में घोटाला हुआ, वो हमारे और आप लोगों के सामने है। तो ये घोटाले करते करते ये सरकार ने अपने एजेंडे को पूरा जिस तरीके से कर रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और किस तरीके से ये सीबीटी द्वारा जिस तरीके से कंप्यूटर में बच्चा जो एग्जाम दे रहा है, आप लोग एक मिनट के लिए सोचिए कि उसे ये कहा गया कि आपको जब परीक्षा देनी है एग्जाम में कंप्यूटर के सामने बिठा के, तो आपको इंटेंशनली ये दिखाना है कि आप एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम वो उस कमरे में ना देकर
एक दूसरे कमरे में कंप्यूटर द्वारा जो है वो एग्जाम दिया जा रहा था, और ये तो वो हमारे एक सामने है कि जो एक एक्सपोज किया गया, लेकिन ऐसे कई एग्जाम और ऐसे कई प्रदेशों में ऐसा किया गया होगा, ये लाजमी सी बात है। और हम इस सरकार से जिस तरीके से हमारी डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा एक न्यायिक जांच इसमें करे, और NSUI देश भर में इस आने वाले सोमवार को एक बड़ा प्रदर्शन करेगी और इस सोई सरकार को जगाने का प्रयास जो है हम लोग करेंगे कि ये सरकार जो है वो जागे, और हम छात्रों के साथ और हम युवाओं के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ ना करें जिस तरीके से एक एक करके वो देश को बेचने का काम जो वो कर रहे हैं, उस तरीके से हमारे भविष्य को कम से कम बेचने का काम ये ना करें। ये हमारी डिमांड है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।